जम्मू कश्मीर के कठुआ में 3000 की रिश्वत लेते हुए पटवारी हुए गिरफ्तार, एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बनी अपडेट और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। इस वक्त की खबर आ रही है कठुआ जिले में, जहां पे विरासती इंतकाल और कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 3000 रुपए की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में एक पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एक बयान में एक प्रवक्ता ने कहा कि एसीबी को मच्छेड़ी के एक निवासी से एक लिखित शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हल्का मच्छेड़ी के पटवारी गुलशन सिंह विरासती इंतकाल म्यूटेशन और कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उससे 5000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने राजस्व विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया और उसे जारी करने के लिए पटवारी से मुलाकात भी की। पटवारी ने अग्रिम राशि के रूप में 2000 रुपए प्राप्त किए और दस्तावेज जारी करने के लिए शिकायतकर्ता से शेष 3000 रुपए की मांग की। इसमें लिखा है कि चूंकि शिकायत की सामग्री प्रथम दृष्टया पीसी अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध का खुलासा करती है, तद अनुसार पुलिस स्टेशन एसीबी सेंट्रल में एक मामला FIR संख्या 2/2024 दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। जांच के दौरान एक ट्रैप टीम का गठन किया गया, जिसने जाल बिछाया और स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में आरोपी पटवारी को 3000 रुपए की रिश्वत राशि मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें कहा गया है कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद रामनगर कॉलोनी में आरोपी के आवासीय घर में भी तलाशी ली गई है। मामले में आगे की जांच जारी। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल बनी अपडेट के साथ। साथ ही हमारे चैनल को करें लाइक एंड सब्सक्राइब। सड़कें, आंगन बनाना चाहते हैं मजबूत और शानदार, तो फिर जरा भी ना करें इंतजार, क्योंकि प्रो बिल्डर्स लाए हैं आपके बन्नी में आपके लिए अंबुजा सीमेंट से बने मजबूत होलो ब्लॉक्स, टाइल्स और फेंसिंग पॉल। तो फिर देर किस बात की, अभी ऑर्डर करने के लिए कॉल करें 9906763071 या फिर 600।